हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। उच्च शिक्षा मंत्री साथ में गृह मंत्री ने अपने विभागों में भर्ती के लिए आदेश दे दिया है और इसके साथ ही क्लियर कट आदेश दिया है कि 7 दिनों के भीतर आप लोग एग्जाम कैलेंडर सहित भर्ती विज्ञापन के संबंध में जो नियम कायदे हैं उसको बनाइए। पूरा मामला देखेंगे। कल छत्तीसगढ़ सरकार ने लगभग 12-1 बजे रात तक घनिष्ठ रूप से चर्चा की गई और इस चर्चा में बोल सकते हैं मंथन से अमृत निकला और ये अमृत व्यापम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति, इसके साथ ही सीजीपीएससी में सचिव की नियुक्ति के साथ साथ विभिन्न विभागों में भर्ती को जो दिए आदेश है उसके रूप में देखने को मिली। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे उच्च शिक्षा और शिक्षा विभाग। आप सभी जानते हैं वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री कहे या स्कूल शिक्षा मंत्री कहे, दोनों को जो जो दोनों विभाग है वो एक ही मंत्री के पास है, जिनका नाम है बृजमोहन अग्रवाल जी। उन्होंने अपने बोल सकते हैं आदेश में कहा है विभाग को कि जो 2023 में शिक्षक भर्ती निकली थी उसकी जो काउंसलिंग रुकी हुई थी उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए और इसके साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जो आने वाली भर्ती है उसका बोल सकते हैं पारदर्शिता के साथ जो है भर्ती किया जाए और रिक्त पदों को जल्द से जल्द भर्ती करने के लिए विज्ञापन जारी किया जाए। इसके संबंध में जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा देख सकते हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है, विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा, इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं और उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को तीव्रता लाने का स्पष्ट निर्देश मतलब दिए है और कहा है कि 7 दिन से अधिक अपने पास फाइल न रोके और उन्होंने कहा है कि रिक्त पदों के लिए भी 7 दिन के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय सीमा पे हो। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के ग्रेडिंग को सुधारने के लिए रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ाने की जो है बात कही है। इस प्रकार से उन्होंने बोल सकते हैं भर्ती के लिए चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो दोनों के लिए कहा है और स्पष्ट कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से कोताही नहीं बरती जाएगी। तो ये एक बड़ा और अच्छा एक संकेत है जो आने वाली भर्तियों को कहीं ना कहीं खोलेगा रास्ता उनका। और आपको बस मैंने जैसा कहा है कि 1 सप्ताह के भीतर मैंने आपको कहा था कि हर दिन प्रत्येक दिन आपको धमाकेदार अपडेट देखने को मिलेंगे। इसी कड़ी में कल रात को जब 1 बजे 88 IAS के प्रभार बदले गए, इसके अलावा इस प्रकार का जैसे विभाग की बैठक लिए उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा मंत्री या स्कूल शिक्षा मंत्री, इसके अलावा राजस्व विभाग के मंत्री, इसके अलावा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के मंत्री, इन सभी अनुसूचित जनजाति विभाग के मंत्री, इस प्रकार के अलग अलग विभाग के मंत्रियों ने कहना चाहिए बोल सकते हैं सब बैठकें ली और बैठक के बाद कहना चाहिए सीधी सी बात है बैठक लेने के साथ साथ उन्होंने आदेश भी दिए। इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम या बोल सकते गृह मंत्री, बोल सकते ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के मंत्री विजय शर्मा जी। कल पहली बार ऐसा कोई मंत्री होगा जो पुलिस विभाग में आया और पुलिस विभाग के बारे में जानकारी लिया और बेसिकली उन्होंने 3 प्रकार की जानकारी ली और उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि जो ट्रेनिंग है, प्लानिंग है, कैसी की जाती है पुलिस में और पुलिस विभाग में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आखिर इनकी भर्ती में इतनी लेट लतीफी क्यों होती है, इस प्रकार से उन्होंने पूछा और फिर अधिकारियों ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि सबसे अधिक उनका जोर जो है वो पुलिस भर्ती के शेड्यूल जारी कराने को लेकर है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से पूछा कि पुलिस भर्ती में इतना टाइम क्यों लगता है। इसके अलावा गृह मंत्री ने अफसरों से कहा कि भर्ती के लिए ऐसे शेड्यूल बनाए ताकि इसमें लेट लतीफी ना हो और उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया पूरी तरह बोल सकते समय सारणी तय कर समय सीमा में जो है वो नियुक्ति करने को कहा।
और वो भी एक सप्ताह के भीतर वो फिर से पुलिस विभाग में आएंगे और कहना चाहिए अपना बैठक में उपस्थिति दर्ज करेंगे, और फिर से कहना चाहिए एक प्रकार से फिर से उनकी बैठक होगी, और बैठक के साथ साथ अब आगे क्या निर्णय होता है वो तो देखने वाली बात है। लेकिन कहना चाहिए ये है कि बोल सकते हैं विभाग के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। पुलिस भर्ती हो, स्कूल शिक्षा विभाग हो, आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग हो, राजस्व विभाग हो, खेल विभाग हो, कृषि विभाग हो, तमाम बड़े बड़े विभाग में भर्तियों के संबंध में स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि एक सप्ताह के भीतर आप भर्ती विज्ञापन जारी करें। इसके साथ ही आप देखेंगे कि सीजीपीएससी में अध्यक्ष का पद हो, या बोल सकते हैं सीजी व्यापम में अध्यक्ष का पद हो और सीजीपीएससी में सचिव का पद हो, इसमें नई नियुक्ति कर दी गई है। अब सीजी व्यापम में आपको बहुत ही जल्द बोला जाए आजकल परसों में बोल सकते हैं कि जो नया टाइम टेबल है रुकी हुई भर्ती का वो देखने को मिल सकता है। वैसे भी आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो छठवीं विधानसभा का दूसरा सत्र कहा जाए तो बजट सत्र, ये जो है 5 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो कहना चाहिए अब आप देखेंगे कि सरकार के पास भी इतना समय नहीं है और सरकार के जो अधिकारी है वो भी जल्द से जल्द इसमें पदभार ग्रहण कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बहुत ही हर विभाग में, जैसे कि आज ही की बात बताया तो जनसंपर्क विभाग में जो मयंक श्रीवास्तव सर है उन्होंने जो है पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा भी तरह तरह के जो इतने भी 88 IAS है उन लोग सभी जो है अपने अपने प्रभार जो है वो ले रहे हैं और जल्द से जल्द जो है सारी चीजें को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीजों को जल्दी से जल्द जो है निर्णय लेना, क्योंकि 100 दिवस की कार्य योजना बनाने का भी जो है वो आदेश दिया गया है। और भर्ती के लिए जो है आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा, साथ में जो कैलेंडर है वो आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आप सभी को यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।